दोस्तों अपने देश में अगर देखा जाए तो 140 करोड़ से भी ज्यादा टोटल लोग रहते हैं और सिर्फ मध्य प्रदेश में लगभग 7.5 करोड़ लोग रहते हैं। अब 7.5 करोड़ के आसपास जो लोग रहते हैं, ऑब्वियसली बात है उन्हें अच्छी एजुकेशन देनी है तो स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस की जरूरत भी पड़ेगी। इसीलिए शायद देखा जाए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टोटल मध्य प्रदेश में आज की डेट में 2023 के डाटा की दोस्तों बात कर रहा हूं, अभी टोटल 43 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अलावा सिर्फ भोपाल में ही बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हो। जिस तरह किसी भी स्टेट का एक मेन गढ़ होता है, उसी तरह से मध्य प्रदेश का एक सेंटर पॉइंट जो बनता है भोपाल, भोपाल में सबसे ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं दोस्तों। उन्हीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से देखा जाए तो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर अब तक हमने वीडियोस बनाई हैं जो चलती हैं मध्य प्रदेश में। मध्यांचल यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी सामने आती है आपके। मध्यांचल यूनिवर्सिटी में काफी सारे स्टूडेंट्स हालांकि अपनी एजुकेशन ले रहे हैं। मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है। यूनिवर्सिटी बनी है 2018 में, बट फिर भी आप ही स्टूडेंट्स ने जो हमें हमारी पिछली वीडियोस में कमेंट किए थे कि हम मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पर एक वीडियो बनाएं और बताएं यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ, के यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी को UGC पर कैसे चेक करेंगे और भी कई सारी बातें जो आपने पूछी थी, आज अपने इस एक ही वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे आपके हर तरह के जो वो सवाल थे उन सभी का जवाब देने की। और फिर भी कोई अगर सवाल रह जाए तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। हम चाहते हैं जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या कॉलेज में एडमिशन लें या किसी कोर्स में एडमिशन लें तो आपके डाउट्स पहले से क्लियर हों। मध्यांचल यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों मध्यांचल यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उन्हीं सब यूनिवर्सिटीज में से एक है जो टोटल 43 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है मध्य प्रदेश में। काफी सारी यूनिवर्सिटीज में अलग तरह से कुछ चीजें होती हैं जो यूनिवर्सिटी को फेमस बनाती हैं या फिर जो यूनिवर्सिटी को ऐसा फेमस एक फिगर देती है कि क्यों उस यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना चाहिए। मध्यांचल यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बोल सकते हो आप इसको, एक मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पूरा इसका नाम है। यूनिवर्सिटी के पास कई सारे अप्रूवल्स हैं, अप्रूवल्स में से हम कुछ अप्रूवल्स की अगर बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि UGC की एफिलिएशन, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी अगर UGC पर लिस्टेड है तो यूनिवर्सिटी मान्य है। मैं UGC के बारे में भी आपको बताऊंगा इस यूनिवर्सिटी को आप कैसे चेक करेंगे, पर पहले आप जानिए कुछ ऐसे काउंसिल कोर्सेज के बारे में जो यूनिवर्सिटी ने UGC के अलावा ले रखे हैं अपने पास अप्रूवल, जैसे कि PCI, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया। यूनिवर्सिटी के पास एक अप्रूवल है फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब यूनिवर्सिटी बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी जैसे कोर्सेज यूनिवर्सिटी चला सकती है। कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, कितने सीट्स हैं, जब भी हम PCI पर डिटेल एक वीडियो लेकर आएंगे उसमें चीजें क्लियर करेंगे। हालांकि हमने PCI पर डिटेल एक वीडियो बनाई है कि फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया कैसे काम करती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, वो वीडियो आप देखेंगे बहुत कुछ आप समझ जाएंगे। NCTE का अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास, मतलब कि यूनिवर्सिटी BEd जैसे कोर्सेज करा सकती है। जो भी एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, खास करके BEd की हम बात करें तो यूनिवर्सिटी BEd करवा सकती है, यूनिवर्सिटी के पास NCTE का अप्रूवल है। NCTE पर भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है कैसे NCTE काम करता है, उसको भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप इजी वो वीडियो देख पाएंगे। साथ में ही यूनिवर्सिटी के पास है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। यूनिवर्सिटीज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज BSc नर्सिंग कराना चाहती हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज के पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल होना जरूरी है। ऐसे यूनिवर्सिटी BSc नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले सकती। यूनिवर्सिटी का बोलना है कि यूनिवर्सिटी का अप्रूवल्स और जो एफिलिएशंस हैं उसमें इंडियन नर्सिंग काउंसिल भी लिस्टेड है यूनिवर्सिटी के पास। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, दोस्तों एसोसिएशन होती है इंडियन यूनिवर्सिटीज की, उसमें यूनिवर्सिटी भी एक ये पार्ट बनी हुई है, उसका मतलब एसोसिएट है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से। जितने भी बाहर से स्टूडेंट्स इंडिया पढ़ने के लिए आते हैं वो इस एसोसिएशन को जरूर देखते हैं, तभी वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ने अपना नाम दिया हुआ है, ऐसा यूनिवर्सिटी का बोलना है। AICTE, दोस्तों जितनी भी मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटीज चलती हैं, मैंने मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में देखा है कि AICTE का अप्रूवल लगभग सभी यूनिवर्सिटी ने लिया हुआ है।
हालांकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज डिप्लोमा बीटेक एमटेक मतलब कि इंजीनियरिंग कोर्सेज करवाते हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो बीटेक हो या एमटेक हो, इसके लिए एआईसीटी के अप्रूवल को लेना मैंडेट नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। ज्यादातर इस अप्रूवल को कॉलेजेस के लिए जरूरी होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को लेना मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी यूनिवर्सिटीज लेती हैं, बहुत अच्छी बात है। और सबसे लास्ट में यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है यूजीसी के, यूनिवर्सिटी यूजीसी पर लिस्टेड है। अब यहां से बात एक आती है कि यूनिवर्सिटी का अप्रूवल आप कैसे चेक करेंगे यूजीसी पर, क्योंकि कोई भी जब यूनिवर्सिटी दोस्तों बनती है, यूनिवर्सिटी बनती है यूजीसी पर अपने आप को लिस्ट करवाती है, और लिस्ट होने के बाद में जितने भी कोर्सेज बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सिटी को मिलते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्सेज मिलते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज मिलते हैं, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी करवा सकती है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी करवा सकती है, रिसर्च में यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकती है मतलब कि पीएचडी में, ये सभी कोर्सेज यूनिवर्सिटी को बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं जब यूनिवर्सिटी यूजीसी पर लिस्ट होती है। अब हम बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को भी आप यूजीसी पर कैसे चेक करेंगे। यूजीसी पर चेक करना जरूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी को, तभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। ऐसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी के लुभावने एडवर्टाइजमेंट्स को देखकर एडमिशन ना लें, यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें तभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। और जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी को विजिट करें, हॉस्टल्स देखें, अप्रूवल्स देखें, जाकर फैकल्टी मेंबर्स से जाकर मिलें, और हो सके तो स्टूडेंट्स से भी जाकर मिलें जो स्टूडेंट्स अभी उस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ले रहे हैं। कैसे आप चेक करेंगे इस यूनिवर्सिटी को यूजीसी पर? सबसे पहले आप टाइप कीजिए www.ugc.ac.in। जैसे ही आप ये एंटर करते हैं यहाँ पर इंटरफेस खुल जाएगा यूजीसी की वेबसाइट का। तो यहाँ पर टैब्स बने हुए हैं, वहाँ फिफ्थ टैब में आप देखोगे, पांचवें टैब में यूनिवर्सिटीज लिखा हुआ है दोस्तों। यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करते हो तो यहाँ आता है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को आप क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी है, पर ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सभी स्टेट्स के नाम खुलकर आ जाएंगे, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सब लिखा हुआ है यहाँ पर। मध्य प्रदेश पर आप जैसे ही देखते हैं सेकेंड इसमें कॉलम में आप देखोगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश को जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर टोटल यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट खुल जाती है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं मध्य प्रदेश में। टोटल यूनिवर्सिटीज है 43, इनमें से हमने मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज पर अब तक वीडियो बना दी है और वीडियोस आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। मध्यांचल यूनिवर्सिटी कहाँ देखने को आपको मिलेगी? मध्यांचल यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 15वें नंबर पर। 15 नंबर पर आप देखोगे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है www.mpu.ac.in। 2018 में यूनिवर्सिटी बनी है, 11/1/2018 में ये यूनिवर्सिटी आई है, यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला, मान्यता मिली, और यूनिवर्सिटी के जैसे ही आप मोर डिटेल पर क्लिक करते हैं तो मोर डिटेल पर क्लिक करते ही यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, साथ में एक मेल आईडी और फोन नंबर, साथ में ही वीसी की जैसी इन्फॉर्मेशन में आप देखते हो वाइस चांसलर साहब की डॉक्टर CNS मूर्ति लिखा हुआ है, यहाँ पर फोन नंबर इनका मेंशन है, साथ में ही मेल आईडी भी मेंशन है। रजिस्ट्रार साहब कौन है यूनिवर्सिटी के? डॉक्टर NK तिवारी, साथ में उनका फोन नंबर है और मेल आईडी है। ये डिटेल्स हैं, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी की डिटेल्स को लेकर कुछ भी आप जानना चाहते हैं या फिर यूनिवर्सिटी के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधा VC साहब से, रजिस्ट्रार साहब से कॉन्टैक्ट करें या फिर यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यूनिवर्सिटी का नंबर डाला है, सीधा यूनिवर्सिटी से आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी UGC पर लिस्टेड है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अप्रूवल में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, पर जैसा मैंने आपको बताया कि मैं कभी नहीं बोलता किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, पर ये जरूर बोलते हैं हम लोग कि आप यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे से चेक कर लें, बहुत अच्छे से यूनिवर्सिटी के बारे में जान लें तभी एडमिशन लें, ऐसे ही एडमिशन बिल्कुल भी ना लें। अब यूनिवर्सिटी की बात आती है कि कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवाती है। जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी सभी तरह के UG PG कोर्सेज, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और रिसर्च प्रोग्राम चला सकती है, बट कुछ कोर्सेज के बारे में यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिकली अपनी वेबसाइट पर डाला भी हुआ है, जैसे कि फैकल्टी ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंसेज। पैरामेडिकल जैसे कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है और पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज दोस्तों आते हैं, एक दो कोर्स की बात नहीं है, बहुत लंबी ये लिस्ट है। पैरामेडिकल पे डिटेल हमने वीडियो बनाई है, कोशिश करेंगे उसको भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग मतलब यूनिवर्सिटी डिप्लोमा बीटेक एमटेक जैसे कोर्सेज करवाती है, इंजीनियरिंग में PhD भी यूनिवर्सिटीज करवाती है, इसमें जो PhD पर हम एक डिटेल वीडियो अलग से लेकर आएंगे उसमें आपको वो चीजें भी हम बता देंगे। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंसेस मतलब यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज करवाती है, BSc एग्रीकल्चर काफी पॉपुलर कोर्स है, वो भी यूनिवर्सिटी करवाती है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन
बीएड में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, क्योंकि एनसीटी का अप्रूवल मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी इन कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकती है, बीएड जैसे कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। साथ में फैकल्टी ऑफ साइंस एंड आईटी, आईटी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं, बीएससी आईटी आपने देखा होगा, एमएससी आईटी देखा है, आईटी में और भी अलग अलग तरह के कोर्सेज आते हैं, साइंस के जो कोर्सेज आते हैं बीएससी एमएससी, ये सब यूनिवर्सिटी करवाती है, इन सब में एडमिशन लेती है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, मतलब कि बीकॉम कर लो, एमकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, ये कोर्सेज भी यूनिवर्सिटी करवाती है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज में मतलब कि आर्ट्स साइड के कोर्सेज जो होते हैं वो सब यूनिवर्सिटी करवाती है, सोशल साइंसेज में भी एडमिशन लेती है। दोस्तों ये सब तो कुछ कॉमन कोर्सेज हैं, ऐसे जो खास अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी के पास होते हैं, ऐसे कुछ खास अप्रूवल्स मैंने देखे नहीं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। नॉर्मली जो अप्रूवल्स होते हैं वो इस यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स हैं, यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकती है, यूनिवर्सिटी उन कोर्सेज को चला सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे कि यूनिवर्सिटी का नाम है मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उस तरह के अप्रूवल्स देखने को दोस्तों मिले नहीं। हो सकता है काफी और अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी के पास 23 में आ जाएं, तो यूनिवर्सिटी पर हम फिर से एक वीडियो ले आएंगे और जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपके सवाल होंगे, उन सभी सवालों के हम जवाब देने की कोशिश भी करेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी यूनिवर्सिटी पर चाहते हैं, कौन से कॉलेज या कौन से कोर्स पर चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर करें, अच्छा लगा आज का वीडियो, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।